बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां के मुरार इलाके में कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिससे स्कूल वैन में मौजूद कई बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए हैं और बच्चों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को स्कूल वैन से बाहर निकालकर उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया। हालांकि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। वहीं घटना के बाद कार चालक घटनास्थल से फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर ली है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जैसे भी अपन विवेचना में है, जांच करवा रहे हैं, जांच कर जो भी होगा कार्रवाई होगी, उसमें कार्रवाई करेंगे। घायल बच्चे बताए जा रहे हैं, घायल मामूली चोट आई है, उनको ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा मामूली चोट है। और ड्राइवर को थोड़ा हल्की सी चोट आई है, वो भी उसको ज़्यादा स्कोप नहीं है। और कोई लेकर हॉस्पिटल लेके जाएंगे, दिखाएंगे उसमें क्या है। बच्चे तो घर चले गए, कोई बच्चे का कोई दिक्कत नहीं।